चोर है, बहुत बड़ा चोर है, उससे बड़ा तो चोर कोई है ही नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आपको क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार आएगी? जैसा सिनारियो चल रहा है, मेरे को लग तो ऐसा रहा है कि शायद मोदी सरकार ही वापस आए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी ही, मोदी ने भले ही कुछ अच्छा किया हो ना हो या जो भी है, आई एम नो वन टू जज दैट बिकॉज मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट राहुल गांधी मोदी के सामने तो बहुत बड़ा पता ही है आपको क्या है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे इसमें बहुत ऐसे सो ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी काफ़ी इस बार एक्शन में आ रही है, क्योंकि 5 साल जो उम्मीद दिया था मोदी ने वो किया नहीं है, तो वो फ्लॉप शो जैसा हो गया है। और साथ में मोदी शायद आ भी जाए, ये भी है, पता नहीं। सर मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की आनी चाहिए, कांग्रेस की आनी चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली मोदी की आएगी। तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में कुछ काम किए कि नहीं? कुछ भी काम नहीं किया। मेरा बिजनेस है 5 साल में इतना ठप हो गया है कि मतलब अंदाज़ा नहीं हो उसका, बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि उसको आना चाहिए। हाँ, मशीनों में गड़बड़ करेगा तो बिल्कुल आएगा, ऐसे तो नहीं आने वाला, पक्की बात। अच्छे से ज़्यादा बुरे काम किए हैं, अच्छे तो बुरे काम छुपाने के लिए अच्छे काम किए सके। आप ही और नहीं भी, आप किसके साथ हैं? मैं सच बताऊं, मेरी दिलचस्पी बहुत है पॉलिटिक्स में। मैं नायक फिल्म देखने के बाद से मुझे यही लग रहा है कि यार मुझे आगे ले जाओ, मैं काम करूंगा एक दिन, यार कम से कम एक दिन प्लीज। हम तो राहुल गांधी के साथ। मैं तो राहुल गांधी के साथ सी मैं तो ये नहीं बोल पाऊंगा कि मैं किसके साथ हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने आज तक वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने होम टाउन से दूर जॉब करता हूँ और इलेक्शन जब भी हुए हैं मैं दूर ही था, तो अब मैं 2000 रुपये की टिकट लेके सिर्फ वोट देने तो जाऊँगा नहीं, तो इसलिए मैं बोल ये नहीं बोल पाऊँगा कि मैं किसके साथ हूँ। मैं किसी को देख नहीं रहा, मैं मुझे कोई लग ही नहीं रहा उस लायक को। जब हमारा चपरासी का जब एक वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए कितने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और उनमें से एक को मिलता है ये पोजीशन। आपको क्या लगता है, सच में ये देशवासियों को लगता है कि ये राहुल गांधी पप्पू जिसको कहते हैं लोग और ये नरेंद्र मोदी बुड्ढा, ये लोगों से बेहतर लोग नहीं है क्या? इनसे बहुत बेहतर तुर्रम खां लोग पड़े हैं, उनको मौका दें, वो शायद हमारे देश को बदलेंगे। हाँ, एक आया था अरविंद केजरीवाल करके, बड़ा वो पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन बाद में नीयत बदल गई भाई की। ऐसा कोई अच्छा इंसान आए तो शायद उम्मीद होगी कि देश बदलेगा, फिलहाल तो नहीं लग रहा कि इनमें से किसी के अंदर दम है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार सही में चोर है ये ये तो जो इन्होंने कैंपेन शुरू किया ये बेवकूफी है चौकीदार, और ये दुनिया भर का आप, जो आप एक्चुअल में हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो यार, आपको अपना काम बस सही से करना चाहिए, ये सब में नहीं लगना चाहिए कि मैं चौकीदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अपना काम करो ना बस, अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वोट मिलेंगे। चौकीदार तो चोरी है, 5 साल में जैसा हुआ है उसके देखा जाए तो चौकीदार ही चोर है। चौकीदार चोर कैसे हो सकता है? चौकीदार तो वही तो रखवाली करता है, वो चोरी कैसे करेगा? हाँ, लेकिन अगर आप मोदी का पूछेंगे तो हाँ, मोदी चोर है। तो आपको क्या लगता है चौकीदार चोर है? बिल्कुल चोर है, बहुत बड़ा चोर है, उससे बड़ा तो चोर कोई है ही नहीं, ना होगा आने वाले टाइम में भी नहीं होगा। मोदी ने तो 15 लाख नहीं दिया, क्या राहुल गांधी 72,000 दे पाएंगे? 72,000 देखिए, मैं तो यू नो कांग्रेस का जो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 70 सालों का, बातें की काम नहीं किए, नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर वाले बयान पर माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी मांगी। दरअसल आपको बताएं कि राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि चौकीदार चोर है,